बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। सुख लीजो मोमिन पहाड़ मोहोल के आराम, अर्श अजीन के कायम, निजदिन एही ताम, निजदिन एही ताम। आप श्री महामती जी कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, आह्वान कर रहे हैं हमें कि हे साथ जी, आप चितवनी द्वारा पुखराज पहाड़ के महलों में लीला के सुख लीजिए। सुख लीजो मोमिन पहाड़ माहौल के आराम, श्री परम धाम के ये सुख अखंड है, आपके लिए दिन रात निरंतर ग्रहण करने योग्य, पल पल उस रस को लेना है। सुख और आराम शब्दों का भाव एक दूसरे के बहुत ही निकट है, किंतु यह आराम का आशय पुखराज के महलों की शोभा में लीला के रस में स्वयं को डुबाने से है। इसी से आत्मा को आनंद और हृदय को सुख प्राप्त होता है। सुख लीजो मोमिन पहाड़ माहौल के आराम, अर्श अजीम के कायम, निश्चिन एही ताम। तो सुंदर साथ जी, आप शेरा जी श्यामा जी की मेहर से आज बढ़ते हैं हम पुखराज पहाड़ की ओर। और पुखराज पहाड़ की ओर सबसे बड़ी बात है, अब यहाँ पर कोई गिनती नहीं, सीधा सीधा हिसाब चलेगा एक हाँस पर और 1000 हाँसों की शोभा। तो हमने अब शोभा को दिल में बसाना है। पुखराज को धनी का दिल कहा है, तो उस शोभा में उतरना है पल पल। तो सबसे पहले कि हम श्री रंग महल में हैं, रंग महल की उत्तर दिशा में, और वहां से पुखराज कैसे जाना है। पुखराज के और भी मार्ग होंगे, लेकिन ये जो विशेष मार्ग है जो धनी ने हमें बताया, सदगुरु महाराज श्री जोहरदास महाराज जी ने, सदगुरु महाराज श्री जुगलदास महाराज जी ने हमको जो रास्ता बताया है, पहले उस रास्ते से चलते हैं। तो हम श्री रंग महल की उत्तर दिशा में पिया प्राणनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए खुद को महसूस करते हैं। श्री रंग महल की उत्तर दिशा में वायव्य कोने और ईशान कोने के मध्य जो 50 हाँसाए हैं, उन लाल चबूतरा की शोभा में या ताड़वन के सन्मुख। तो हम यहाँ शोभा देखेंगे जो लाल चबूतरे के सन्मुख 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं। तो यहाँ पर ताड़वन की अगर किनारे किनारे आते हैं और ताड़वन से यूं भीतर की तरफ चलते हैं, तो हमने शोभा देखी थी 41 वृक्षों के मध्य 40 संदे बनती हैं। तो हम जब ताड़वन से आएंगे तो जो 15वीं संध है अपनी, 15वां और 16वां वृक्ष है वहां से, और पश्चिम से आते हैं तो जो 25वां 26वां अखाड़ा पड़ता है वहां से, कुल मिला के हम ये शोभा देखें कि यहाँ से अपने वायव्य कोने से लेके ईशान कोने के मध्य 50 हाँस आए हैं। 25 हाँस को हम एक तरफ छोड़ दें, 25 हाँस को हम एक तरफ छोड़ दें, तो जो मध्य हाँस है उस हाँस से अपने को सीधा आगे बढ़ना है। मान लीजिए ये अपना मध्य हाँस है, तो पश्चिम से चलेंगे तो ये 25वां 26वां अखाड़ा बैठेगा, पूर्व से चलेंगे तो ये 15वां 16वां, क्योंकि पूर्व में 10 हाँस ताड़वन की जगह आई है, तो ताड़वन समेत यहाँ भी देखते हैं तो ये 25वां 26वां बैठता है, और पश्चिम से तो 25वां 26वां, मतलब कुल मिला के हमने उत्तर दिशा के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे खड़े रहना है। अगर हमें अखाड़े याद नहीं रहते तो हम श्री रंग महल की उत्तर दिशा में आ जाए, वायव्य कोने और ईशान कोने के मध्य जो 1500 मंदिर है, 750 मंदिर एक तरफ छोड़े, 750 मंदिर एक तरफ छोड़े, और ठीक मध्य पॉइंट से लाल चबूतरे से नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर पूर्व से पश्चिम 15वां 16वां वृक्ष, और पश्चिम से देखेंगे ये अपना 25वां 26वां वृक्ष। इन वृक्षों के मध्य होकर हमने पुखराज की ओर चलना है, क्योंकि इसी के सन्मुख वो स्पेशल मार्ग, बादशाही मार्ग अपने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम खुद को महसूस कर रहे हैं लाल चबूतरे पर, लाल चबूतरे से भूम भर की सीढ़ियां उतरकर हम बड़ो वन में आ गए, और यहाँ पर हम देखेंगे इस अखाड़े से जब आगे बढ़ रहे हैं तो
उन सुंदर शोभा को दिल में ले ले कि हम 30 मंदिर, क्योंकि इस वृक्ष में और इस वृक्ष में अपना 30 मंदिर का तो अच्छी बहुत विशाल जगह और ऊपर विशाल मेहराबे, तो हम इन मेहराबी द्वारों से आगे बढ़ गए हैं। तली रीति की शोभा, रीति का एक एक कंद कैसे जगमगाता हुआ, रीति की कोमलता, नरमाई, सुगंधी, रीति कितनी कोमल हो रही है और उन पर कैसे फूल बिछते चले जा रहे हैं कि मेरी रूहों ने आना है। दोनों तरफ नजर करेंगे तो दोनों तरफ वृक्षों की सुंदर शोभा, बड़ो वन के ये वृक्ष जिनकी एक ही भूमि में 10 भूमि समाई है, भूम दर भूम वो 5 हाथ की छज्जे, हम सब रूहों का मिलावा इस मेहराब से होकर जा रहा है, तो भूम दर भूम उन छज्जों में छोटे छोटे खरगोश हिरन कैसे वहां पर उमड़ते हुए कठिनों से लगकर उन शोभा को दिल में लेते हुए हम आगे बढ़ गए हैं। नजर ऊपर करेंगे तो श्री रंग महल की 10वीं चांदनी के लेवल में अपने ऊपर फूलों का सुंदर छतरी मंडल, और वो फूलों का छतरी मंडल भी प्रसन्न होता हुआ फूलों की बरखा करता हुआ। तो इस तरह से हमने इन शोभा को देखते हुए इसको इस पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, जैसे हम ये माने ये अपना पश्चिम से पूरब जब देखते हैं तो ये 25वां 26वां चौक हुआ। अब इस चौक से होके हमने पुखराज की ओर बढ़ना है। इस चौक से होकर यहाँ तले वो दिखा रखी है धूप, यहाँ तले हम रेती माने, यहाँ से होके हमने चलना है। तली रेति, अति सुंदर रेती, दोनों तरफ वृक्षों की सोनी कतारे, 30-30 मंदिर के अंतर पर ये आते वृक्ष, ऊपर वृक्षों का एकल छतरी मंडल, इधर नजर करेंगे इधर नजर करेंगे तो बड़ो वन के वो सुंदर अखाड़े, बड़ो वन की वृक्षों की शोभा, संपूर्ण शोभा नजरों में आती हुई। तो इन शोभा को देखते हुए हमने बड़ो वन के वृक्षों की 41 हारे पार करनी है। बड़ो वन की वृक्षों की संपूर्ण हारे इन सुंदर नूरी शोभा को देखते हुए पार करनी है। हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए 15वां 16वां या पश्चिम से 25वां 26वां अपना चौक है या मध्य स्थल है, यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो रीति की शोभा, दोनों और वृक्षों की शोभा, ऊपर चंद्रमा की शोभा, और कैसे पशु पक्षी उमड़ते हुए उन संपूर्ण शोभा को दिल में लेते हुए हमने बड़ो वन की 41 हारे जैसे ही पार करी। बड़ो वन की सारी हारे हमने जैसे ही पार कर ली, इस विशालता को भी दिल में ले हुए अभी हम आराम से कह रहे हैं कि हमने इन स्थान को पार कर लिया। ये 1200 मंदिर का स्थान है। तो घोड़ों पे, बगियों पे सवार होके, हाथी पे सवार होके हम चले पुखराज की ओर, उन सुंदर लीला को महसूस करते हुए कि पिया संग घोड़ों पे, हाथियों पे, बगियों पे असवारी करते हुए हम जा रहे हैं, और उनकी थाप से उठती रेती, आभूषणों की झनकार, आपस में जो बात कर रहे हैं, पशु पक्षियों का उमड़ना, इन सुंदर शोभा को देखते हुए हमने ये 41 वृक्षों की हारे पार कर ली। अब उसके बाद अपने को क्या शोभा नजर आएगी, उस शोभा को देखते हैं। ये देखिए, इस नक्शे संपूर्ण ये शोभा देखते हैं कि ठीक मध्य स्थान से हमने आगे बढ़ना है उत्तर दिशा के। ये देखिए, जैसे ही हमने 41 वृक्षों की पार की तो हमें सामने रोंस चबूतरा नजर आएगा। ये पुखराजी रोंस जो पुखराज को घेरते हुए आ रही है, तो यहाँ से हम पुखराजी रोंस पर आएंगे। या तो हम इन रोंस पर होते होते आगे बढ़े सुंदर शोभा, और जब हम इन रोंस पर हैं तो एक तरफ तो हमारे एक विशाल नहर की शोभा, ये नहर एक हांस में आई है और ये पुखराज का ही पार्ट, दक्षिण दिशा की शोभा, यहाँ पर एक हांस में नहर की शोभा आई है। 200 कोस में नहर, 200 कोस में अपनी ये नहर हो गई भोंबर गहरी। एक बार मैं ड्रॉ हटा देती हूँ। 200 कोस में ये अपनी भोंबर गहरी नहर हो गई, और ये दोनों तरफ
पचास पचास कोस की जल रौस और ये अपनी पालकी शोभा। तो सुंदर साथ जी, हम खड़े हैं पुखराजी रौस पर, और पुखराजी रोज से हमने तीन सीढ़ी चढ़कर पाल पर आना है, और वहां से तीन सीढ़ी उतरकर हमने जल रोज पर, आगे जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, यहाँ पर लंबी नहर आई है तो फूलों की शोभा भी अपने को मिलेगी इस नहर में। वर्णन में नहीं आया लेकिन ये वर्णन अपने को शुरू में ही दे दिया कि अपने को फूलों की शोभा भी मिलेगी, स्थान स्थान पर जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां भी मिलेंगी। और जब हम यहाँ से इन पुखराजी रोज से होते हुए, इन पाल से होते हुए सुंदर असवारी पर सखियों संग पिया संग आगे बढ़ रहे हैं, तो दोनों ओर नजर करेंगे तो पहले तो चार हारे मधुवन की, फिर चार हारे महावन की आएंगे। अब इन मधुवन की तरफ नजर करें या महावन की ओर, तो बिल्कुल समान शोभा बट पीपल की चौकी की दिल में लेवे, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बनते चौक, वहां पर वो चौक बने थे 100 मंदिर की, यहाँ पर 125, वहां पर उससे विशाल चौक बनते हुए, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। तो उन विशालता फुले में चबूतरे की लंबाई चौड़ाई का वर्णन नहीं आया है, तो 100 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा था, तो यहाँ 125 मंदिर में उस चबूतरे की विशालता को महसूस करें। चारों दिशाओं में उतरती सीढ़ियां, कठेरा और ठीक मध्य वृक्ष का तना, महाबिलंद वृक्ष, और इन वृक्ष ने पास वाले चौक से मिलान किया है, ऐसे आपस में मिलान होता हुआ, और इन मेहराबों में हिंडोले और एक एक चबच्चे पर चार चार हिंडोलों की ताली पड़ती हुई। तो इन सुंदर समा को देखते हुए चार हारे मधुवन की, चार हारे महावन की, संपूर्ण शोभा समान रूप से, लेकिन बड़ो वन की 17 हारों के बाद आगे थी 250 भूमे, मधुवन की आएंगी 500 भूमे और महावन की आएंगी 1000 भूमे। ऊंचाई का फर्क है मधुवन और महावन में, बाकी संपूर्ण शोभा समान रूप से। तो इस तरह से इन रोज से होते हुए या हम इस पाल से होते हुए, एक तरफ नहर की अलौकिक शोभा, अति सुंदर निर्मल जल, दूसरी तरफ वनों की सुंदर शोभा देखते हुए हम आ पहुंचे श्री पुखराज के दक्षिण दिशा के इन चबच्चे पर। तो सुंदर साथ जी, यहाँ तक की शोभा को रिवाइज करते हैं, आप लोग साथ साथ रहिए। सबसे पहले हम सब खुद को महसूस करते हैं श्री रंग महल की उत्तर दिशा में, हमारे पचपसा सांस है। तो सुंदर साथ जी, हमने किस तरह से जाना है, मैंने दोनों तरीके बता दिए, गिनती से भी आसान से भी, तो हम किस तरह से किस शोक से आगे बढ़े, हैंड रेस कर लीजिए सुंदर साथ जी। मोनिका हाँ जी, प्रणाम जी। राम जी, हाँ जी, जो इधर अगर हम वायव कोनी के छह बच्चे स्कूली साइड से चलते हैं, तो हमें ठीक मध्य में 25वां और 26वें के बीच की सन से और ताड़ वन से हमें ठीक इधर 15वें और 16वें वृक्ष के सन से बीच का रास्ता मिलेगा, जो सीधा चलकर हमें मेराबों से बड़वन के वृक्षों के अखाड़ों को और हिंडोलों की शोभा को देखते हुए, जो 5 हाथ के छज्जे आए हैं उनकी शोभा को देखते हुए हम आगे चलेंगे और सीधा हम दक्षिण की नहर तक पहुंच जाएंगे, जो ये हमारी पुखराजी रौंस आई है। और पुखराजी रौंस से भी आगे चलेंगे तो, या हम इसके ऊपर जो तीन सीढ़ी चढ़कर पाल आई है, फिर तीन सीढ़ी उतरकर जल रौंस और तीन सीढ़ी नीचे उतरकर जल चबूतरा आया है। अगर हम यहाँ से घोड़े सवारी या बग्गी की सवारी लेकर हम सीधा यहाँ पर पहुंच सकते हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ तो जी, सुंदर साहब जी, इस तरह से सबसे पहले हमने आज जो शोभा देखी कि हमने यहाँ तक पहुंचना कैसे है, दीदी एक नौकाओं में भी सुंदर और जा रिवाइज कर दो, एक सुंदर साहब जी और रिवाइज कर दो। दीदी नहर के बीच में से भी जा सकते हैं ना हाँ नौकाओं हाँ में। नहर के बीच में से भी,
तभी मैं सुनीता जी को अनम्यूट करने लगी थी। अच्छा कोई बात नहीं, सुनीता जी आप एक बार और रिवाइज कर दो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साहब जी, हम रंग महल की उत्तर दिशा में हैं और हमें चलना है अब पुखराज पहाड़ की दक्षिण नहर में। तो सुंदर साहब जी, जो बिल्कुल 50 हाँस आए हैं उसके ठीक मध्य में जो 25वां और 26वां चौक बनेगा ना, तो वहां से हम सीधा आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। और जो जो चौक है, चौक में अगर चाहे तो हम क्या कहते हैं, राज श्यामा जी के साथ पूरा अर्श मिलावर हमारे साथ चल रहा है, तो हम सुंदर नीचे हम देखेंगे तो सुंदर कोमल रेती बिछी हुई है और चारों तरफ जो बड़ बन के वृक्ष हैं अत्यंत ऊंचे, उनकी शोभा को देखते हुए और जो पांच हाथ के छज्जे निकले हुए हैं उनके चारों तरफ जो सुंदर पशु पक्षी हैं, छोटे छोटे पशु पक्षी कैसे कलरव कर रहे हैं, उनका कलरव मधुर गान सुनते हुए, उस शोभा को देखते हुए, अगर हम बग्गी या घोड़े से कहीं जा रहे हैं तो जो जो सुंदर रेती बिछी हुई है वो कैसे मतलब उछलती हुई, मतलब मधु ऐसे लग रहा है जैसे वो भी बहुत उल्लासित हो रही है। आज पिया के साथ इधर सवारी चल रही है, तो आगे बढ़ते बढ़ते जो 41 वृक्षों की 41 आ रहे हैं उनको सीधा हम पार करते हुए दक्षिण की नहर के पास पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले पुखराजी रॉस मिलेगी हमें, उस पुखराजी रॉस से हम ऊपर, हम जो 400 कोस में एक नहर चल रही है जिसमें 200 कोस में तो पानी है और 50-50 कोस में जल रॉस और पाल है। तो जो पुखराजी रॉस है उससे हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर पाल पर आ जाएंगे और फिर पाल से 3 सीढ़ी नीचे उतरकर हम जल रॉस पे पहुंच जाएंगे। प्रणाम जी सुंदर साहब। हाँ जी सुंदर साहब जी, तो इस तरह से हम दक्षिण दिशा के इन चह बच्चे पर पहुंच गए। अब इस चह बच्चे की हम शोभा देखें, ये चह बच्चा अपना आया है पुखराज के घेर कर, जो पुखराजी रोस आई है उन पुखराजी रोस पर अपना ये चह बच्चे की शोभा आई है। तो 200 कोस में जल और उसके बाद जो महाराज श्री जी वर्णन करते हैं उसके हिसाब से कि हम जब पुखराज की रोंस पर आ रहे हैं, मैं एक बार महाराज श्री जी का नक्शा निकालती हूँ। ये देखिए सुंदर साहब जी, ये पुखराज का निशान और पुखराज को घेर कर ये जो मस्टर्ड कलर में है ना, ये पुखराजी रोंस का निशान है। ये देखो सबको घेर कर आती हुई पुखराजी रोंस और ये जाएगी अपनी मूल कुंड तक, उसके बाद इसके अंदर वन रोंस और शामिल होगी। तो ये जो अपने पास 400 कोस की पुखराजी रोंस है, इस रोंस पर 200 कोस का लंबा चौड़ा जल का एक बड़ा विशाल कुंड और घेर कर 50 कोस की रोस, घेर कर यहाँ पर मैं एक बार ड्रॉ कर देती हूँ अच्छे से, घेर कर अपने पास 50 कोस की रोस। अच्छे से करती हूँ, ये घेर कर अपने पास 50 कोस की रोस आ गई और इन रोंस के लेवल में जल की शोभा, और इधर जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और इधर इस वन रोंस पे यानी पुखराजी रोंस पर उतरती सीढ़ियां। तो हम इन पुखराजी रोंस पे हैं तो अपने को 200 कोस का विशाल कुंड नजर आता हुआ और कुंड को घेर कर सुंदर रोंस नजर आती हुई और उस रोंस के लेवल में जल, जैसे हम 16 हाथ बच्चे की शोभा ले लेंगे जो जल रोंस है उसी लेवल में जल, हम शोभा ले ले हुए खड़ोकली की कि हमारी जो रोंस आई है उसी लेवल में जल, तो इसी तरह से ये विशाल शोभा लिए जल कुंड, इसको घेर कर जो 50 कोस की रोंस आई है उन रोंस से ही जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतरी और उन रोंस से ही वन रोंस के ऊपर सीढ़ियां उतरी। तो हमारे पास 200 कोस में तो हो गया जल, 50 कोस में हो गई अपनी जो रोंस हो गई, रोंस कहे पाल कहे, और घेर कर 50 कोस में आने जाने का रास्ता। तो ये 400 कोस का यहाँ पर हिसाब होता हुआ।
सुंदर साहब जी, यहाँ ज्यादा अपने को गिनती में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे आगे सिर्फ 400 कोस का हिसाब है और 1000 हाथ का। अभी हम शोभा देख रहे हैं कि हम 200 कोस की नहर से आए तो ठीक सामने 200 कोस का कुंड। नहर में जब तक थे अपने को जल रोस भी मिली, पाल भी मिली। यहाँ सीधे हमको घेर कर एक रोस मिलेगी जल लेवल में, उससे जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और घेर कर आने जाने का रास्ता। तो इस तरह से कुंड की सुंदर शोभा मिलेगी। उस कुंड की शोभा की विशालता को दिल में लेंगे कि 200 कोस का 100 कोस बराबर 125 मंदिर, यानी 250 मंदिर का लंबा चौड़ा, ये अपना जल राशि है। 250 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में जल राशि, तो वो जल की विशालता को ले हुई, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और उन जल में कितनी नौकाएं, कितने पक्षी, कितने कमल दल खिले होंगे, कितनी सुंदर शोभा उस जल की होगी। दूध से उज्जवल जल, मिश्री से मीठा, और उसमें कितनी रौनक होगी, कितना आपदान होगा वहां पर। तो ये सुंदर शोभा को और घेर कर सुंदर रोस, रोस पर सुंदर बैठ के उनसे जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, बाकी कठेड़ा और बाहर पुखराजी रोस पे उतरती सीढ़ियां और सुंदर कठेड़ा। तो इस तरह से अपना दक्षिण दिशा का ये चैबच्चा हुआ। सुंदर सा जी, कोई वर्णन करेगा कि ये चैबच्चे की शोभा किस प्रकार से आई है? भले स्टेप बाई स्टेप कर दे कि इसमें कितने कोस में जल आया है चबच्चे में। हाँ जी आशीदी। हाँ जी प्रणाम दीदी, आशीमा सॉरी। हाँ प्रणाम जी, प्रणाम जी। आशी के नाम से ना आशीदी याद आती है एकदम से। मैं करना भूल गई हूँ आज। हाँ नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपको भी दी बोल दिया तो क्या हो गया। हाँ जी दीदी, ये 200 कोस में जल है और 50-50 कोस में दाएं बाएं रॉस है, तो टोटल हमारा 400 कोस हो जाता है। और अगर मंदिरों में देखें तो 250 मंदिर में जल है और बाकी जो है हमारी रॉस आ जाती है, तो ऐसे 400 कोस का हिसाब हो जाता है। और फिर उससे जल चबूतरे में उतरती हुई सीढ़ियां हैं चारों दिशाओं में, और हमारी जो जल रॉस है उससे तीन तीन सीढ़ी उतरती हुई पुखराजी रॉस पर दो दिशा में हमें नजर आएगी। तो ये शोभा चाय बच्चे की है। एक बार मैं थोड़ा सा ड्रॉ करती हूँ, फिर उस हिसाब से वर्णन करना है ना। इसके बीच में जल की शोभा करें, एक जल की शोभा कर दूं अलग से। तो ये तो अपना हो गया जल, ये रोस हो गई 50 कोस की, तो ये 300 कोस का हिसाब हुआ। 50-50 कोस की आने जाने की जगह हो गई, तो 400 कोस का हिसाब हो जाता है। सुंदर सा जी, ये देखिए एक बार वापिस ये वर्णन कर रही हूँ क्योंकि नक्शा पहले पूरा क्लियर नहीं हो रहा था। ये अपना हो गया 200 कोस में विशाल जल राशि, इसको घेर कर ये अपनी 50 कोस की रोस जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और इधर वन रोस पर उतरती सीढ़ियां, वन रोस यानी पुखराजी रोस। अब यहां से ये देखिए अपने पास घेर की परिक्रमा, ये रोस और ये जल, ये सभी इसी चैबच्चे का ही हिस्सा हुआ। जो कहा ना कि यहाँ पर एक हाँस का चैबच्चा हुआ, तो ये आने जाने का रास्ता हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ अपने पास दरवाजा है दक्षिण दिशा का, जिसे हमें तरहटी में उतरना है, तो हमें इस दरवाजे में आना है, तो ये जगह मिल गई। और हम जैसे यहाँ से परिक्रमा करते हुए आ रहे हैं यहाँ से, तो इस रास्ते से हम आराम से घूम सकते हैं। तो ये सुंदर शोभा अपने दक्षिण दिशा के चैबच्चे की। हाँ जी सुनीता दी आप करो, मधु दी आप करो थोड़ा वर्णन। राम जी सुंदर साहब जी, हमारी दक्षिण की नहर के किनार पर पुखराज के साथ लगता हुआ एक कुंड आया है या चैबच्चा आया है जो 400 कोस का है, जिसके मध्य में 200 कोस में तो जल है और 50-50 कोस की रोस आई है, जो बिल्कुल उसके लेवल पर ही आई है, जल के लेवल पर बिल्कुल समान लेवल है जल का और रोस का। और उसके आगे 50 कोस का रास्ता है आने जाने का, जिससे हम बड़े आराम से दाएं बाएं पुखराजी रोस पर आ जा सकते हैं। हाँ जी,
दीदी वो 3 सीढ़ी ऊपर होगा जो रास्ता है? नहीं, रास्ता अपना ये पुखराजी रोज के लेवल में हो गया ना। नहीं, इससे जो इसकी 50 कोस की रोज घूम रही है जल के दायरे हाँ, में, वो कमल भर ऊंची ते है कमल ना। भर ऊंचा ये होगा। अभी अपन ने यहाँ भी शोभा देखी थी ना, कि मैंने कहा था कि पुखराजी रोज से पाल उठी है, तो बिल्कुल यमुना जी को याद कर लो। जी यमुना जी में अपनी पुखराजी रोज से अपनी पाल उठी जी है हाँ, ना। 1 सीढ़ी ऊपर हो गई पाल मतलब अपनी जो पाल है ना, पुखराजी रोज से 3 सीढ़ी ऊंची है, तो ये वाली पाल भी जो होगी ना, जल रोज का ये पाल कहे, तो ये भी पुखराजी रोज से 3 सीढ़ी ऊंची होगी। एक बार मैं पूरा नक्शा दिखाती हूँ, वो वाला जो अभी देख रहे थे ना अपन, एक सेकंड छोटा करती हूँ इसको। ये देखो भी, अगर अपन वनों वाली सिंपल नहर से अपन इसको लेते, तो ये नहर तो इस नहर के लेवल में, लेकिन ये पुखराजी रोज जो वनों से कमर भर ऊंची आती है, तो ये जो नहरें है ना, ये पुखराजी रोज की लेवल में होंगी, इससे मिलान करती। जैसे ये जो नहरें कट रही हैं, वो पुखराजी रोज से, नहर की रोज से पुखराजी रोज से मिलान करेंगी। जैसे हमने सातवन में देखा था, अपनी जो नहरें हैं वो रोसों से मिलान कर रही थी, वो रोज वन रोज से मिलान यानी पुखराजी रोज से, और जहां वहां पे जो अपनी पाल उठी थी, वो कमर भर ऊंची थी वन रोज से यानी पुखराजी रोज से। तो यहाँ भी पुखराजी रोज से ये पाल कमर भर ऊंची है, और यहाँ पर भी आते हैं तो पुखराजी रोज से कमर भर ऊंची रोज। और दीदी जल चबूतरे पे फिर 3 सीढ़ी उतर के हाँ, जाएंगे। जल चबूतरे पे 3 सीढ़ी। और ये जो जल रोस है नहर की, उसपे भी 3 सीढ़ी उतर के जाएंगे, बिल्कुल हाँ, यहाँ तो पूरी शोभा आ गई ना, जैसे अपन यमुना जी में देखते हैं वैसे ही आ पाल जाएंगे। जल रोस फिर 200 कोस, यहाँ तो पूरा हिसाब आ गया ना, 200 कोस में जल, 200 कोस में जल रोस, और ये पाल की शोभा। 50-50 कोस में जल रोस और 50 में ही पाल की हाँ शोभा, जी, 400 कोस पूरा हो गया। हाँ, तो इसके ठीक सामने अपने इस छह बच्चे की सुंदर बादशाही शोभा, रोसों पर सुंदर बैठ के, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, जल में छलकार करती जल चबूतरे की सीढ़ियां, तो ये सुंदर शोभा। हाँ जी सुंदर साहब जी, यहां तक शोभा क्लियर है? एक बार मैं हैंड सबके नीचे रेज कर देती हूँ, फिर जिनका क्वेश्चन हो। हाँ जी श्रीनिवास जी, प्रणाम बहन जी। हाँ राम जी, बहन, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो आपने बताया ना, इसका एक बार जो हमारी पुखराजी रौस है, और ये जो बीच में आया है ताल जी, इसका जो है इसमें ना, ये इसकी पाल और ये पुखराजी रौस की जो ताल है, ये बराबर है ना, लेवल तो बराबर है। लेवल बराबर है, लेकिन यहाँ पे पाल एक बार आके रुक जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे ये अपना कुंड स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे रुक जाएगी। लेवल बराबर होगा, ये पुखरा इधर इस रोज का और ये पाल का लेवल बराबर होगा, लेकिन जब अब अच्छा, यहाँ पे आके अपनी नहर रुक गई ना, एक बार हाँ हाँ यहाँ नहर रुक गई, तो यहाँ से भी अपनी इस रोज पे उतरती सीढ़ियां। अच्छा, ये और ये जलरोस जो है वो 3 सीढ़ी नीचे है। हाँ, जल रोज 3 सीढ़ी नीचे, जल रोज यहाँ पे 3 सीढ़ी नीचे। ठीक, दीदी पाल पर तो सीढ़ियां नहीं उतरेंगी, पाल का लेवल और चाहे बच्चे के चारों तरफ आने जाने का जो रास्ता है उसका लेवल तो समान रहेगा ना? नहीं, पाल का लेवल कैसे समान रहेगा? पाल भी ये देखो, ये पाल पुखराजी अपनी पुखराजी रोंस पे उठी जी। है ना, और अपना ये जो रोंस है, ये भी पुखराजी रोंस पे उठी है, हाँ तो जी पुखराजी रोंस और इस पाल का लेवल, ये रोंस और इस लेवल समान है। हाँ वही कह रही पुखराजी हूँ मैं। पुखराजी रोंस से कमर भर ऊंचा हो गया ना, हाँ जी मतलब यहाँ जो पाल आएगी, इसको घेर के जो रोंस कहे, पाल कहे, जल रोंस कहे, और ये जो पाल है उसका लेवल समान है, लेकिन बिल्कुल सीधा रास्ता नहीं है, क्योंकि बीच में अपना ये कुंड हो गया ना, तो ये पाल यहाँ पे रुक जाएगी। एक बार नहर रुक गई ना यहाँ पे चा बच्चा बनाना, ये देखो कैसे पाल से तो आ सकना चाहिए हमें वहां पे रस्ते ऊपर। हाँ यो, अगर पाल से आ जाओगे तो आने जाने के रास्ते का अपन क्या करेंगे? उसी आने जाने के रास्ते पे ही तो हम चढ़ेंगे आके। मेरी बात सुनिए, एक बार मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको।
नहीं, आप कह रहे हो ना आने जाने का जो रास्ता है वो भी हमारा कमर भर ऊंचा है पुखराजी रोस से। पुखराजी रोस है ना, तो ये पाल तो पुखराजी रोस से भी कमर भर ऊंची है। तो जब ये आने जाने वाला रास्ता पुखराजी रोस है तो यहाँ पे तो आपकी कठेरा लगेगा ना। और अगर आप इसको एक लेवल कर देते हो तो इस कुंड की महिमा अलग से कहाँ रही। ठीक है दीदी, समझ आ गया है ना। यहाँ पे ऐसे है ना, यहाँ पे ये चीज बंद होती हुई ना एक बार ये शोभा, अब यहाँ से अंडरग्राउंड जा रही है अंदर नहर, मतलब अपनी ये नहर पुखराज से निकल रही है तो यहाँ पे थोड़ा टाइम अंडरग्राउंड हो रही है। तीन सीढ़ी चढ़कर हम आएंगे आने जाने वाले रास्ते पे, उतर कर यहाँ से और यहाँ जाएंगे तो चढ़ के जाएंगे। ठीक है, हाँ जी श्रीनिवास जी आप कुछ कह रहे हो? आ गया समझ में? आगे हो गया, आगे दो और हैं। अभी क्वेश्चन है आगे काफी सारे शायद। दीदी मैं तो सुरक्षा दीदी कर रही हूँ। नाम जी, ये जो पुखराजी रोस है ये जमीन से तीन हाथ ऊंची है? हाँ, तीन हाथ ऊंची होती है पुखराजी रोस हमेशा। और पुखराजी रोस से तीन हाथ ऊंची पाल हो गई? हाँ जी। और पाल के आगे जो एकदम पुखराज की तरफ चलेंगे उस पुखराजी पाल के लेवल में ही कुंड के चारों तरफ जो रोस आई है वो बराबर? हाँ, लेकिन हाँ, लेकिन अब आप बता दीजिए हम उस विशालता को ले, ये देखो हम इस विशालता को ले रहे कि ये अपने पास 200 कोस की जगह है, 100 कोस में यहाँ पर रोस हुई, ये अपने पास 100 कोस की जगह है, 50 कोस में यहाँ पर रोस हुई है ना, 50 कोस में ये आने जाने का रास्ता हुआ, तो पाल तो यहीं आके रुक गई ना एक बार। तो पाल तो पाल और इस रोस का लेवल समान है लेकिन पाल तो एक बार यहाँ आके रुक गई ना, है ना, लेवल समान है। तो फिर भी मतलब जैसे तीन सीढ़ियों का जिक्र हुआ है, ये तीन सीढ़ी का जिक्र इसलिए हुआ है ना क्योंकि आने जाने की रोस भी तो अपने को चाहिए। हम पुखराज को परिक्रमा कर रहे हैं तो रोस चाहिए, अपने को अंदर जाना है तो रोस चाहिए, और इस कुंड की शोभा को अगर बराबर अपन मिलान कर लेते हैं तो कुंड अलग से क्या हुआ, फिर तो ये नहर का ही पार्ट हो गया। इस पोर्शन को अलग करना था ना, ये शोभा को ये पूरा अलग करना था, है ना। जैसे ये अभी अपने नए नक्शों में अपन देखते हैं, ये देखो इसमें, ये देखो ये शोभा यहाँ आके रुकती हुई ना, ये अपनी रोस हो गई, रोस से जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां, इधर बंद हो उसपे उतरती सीढ़ियां, दीदी मुझे दो क्वेश्चन पूछने हैं। एक तो ये जो पुखराजी रॉस चल रही है नहर के आसपास, इसकी दोनों तरफ के पुखराजी रॉस प्लस बीच की जो नहर है इन तीनों को मिला के यहाँ 1200 कोस की जगह हो जाती है? हाँ, अपने आप ही 1200 कोस की होगी। अच्छा ठीक है। और दूसरा ये पूछना था जो इसी नक्शे में 41 वृक्षों की हारों के सामने जो दो मधुबन के पेड़ दिखाई दे रहे हैं चौक पूर्व की ओर, ये हाँ जी ये दोनों, ये शोभा का वर्णन तो कल हो चुका, केल के मूल के आगे जाते हैं, ये जो आठ यहाँ पे चौक दिखाई दे रहे हैं हमारे, और उसके आगे जो आठ चौक दिखाई दे रहे हैं चार मधुबन के चार महावन के, इन दोनों में सिमेट्री नहीं है, और ये अगर घूम के आ रहे हैं मतलब ये पूरे सर्कल में आ रहे हैं तो ये कैसे जाएंगे, ये नहीं समझ में आया। ये पुखराज को घेरते हुए जाते हैं, इधर इस तरफ दो वृक्ष आते हैं, दो वृक्ष ऐसे,
अब ये पूरा गोलाई में घेरते हुए आते हैं, नक्शों में लिमिटेशन हो जाती है, परम धाम इस शेप में थोड़ी होगा, वहां पूरा पहलेदार शोभा होगी। ये जो अपने ये जो 1200 ये जो लाइन आ रही है कोई बिल्कुल सीधी थोड़ी होगी, अपने वो 50 हंस पूरे पहलदार है, उन्होंने अपने को एक मोटा हिसाब बता दिया कि दो वृक्षीय दो वृक्षों चार वृक्षीय प्लस चार वृक्ष यही 8 वृक्ष पुखराज को घेर कर आएंगे, है ना। ये आगे पीछे हो सकते हैं मतलब बुलाई लेते हुए। हाँ हाँ मतलब अपना पहले शोभा है ना, जैसे अभी शोभा को यहां से देखो इस तरह से ये घेर के जाएंगी हारे, जब वो पुखराज की हद में आएंगी तो ऐसे गुलाई में हो जाएगी। ठीक है देखो। हाँ जी हाँ जी विशाली। प्रणाम गुरु जी। हाँ दीदी अभी आपने बोला ना कि रंगमहल के उत्तर दिशा से हम सवारी लेके आते हैं, फिर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ चढ़ के पुखराज जी रोंस पर आते हैं, और फिर वापस 3 सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर पाल पर आएंगे, तो फिर वो सवारी आगे फिर बढ़ेगी कैसे पुखराज की तरफ, मतलब वहां पे आपने बोला कचेड़ा आ जाता है ना रेड और ग्रीन तो के। उस जगह उतर जाएंगे, अपने सामने कुंड है, पुखराज अपने सन्मुख है, ओके। और हम जैसे आ गए, कचेड़ा ये भी फट जाता की है। हद शुरू हो गई अपनी, और यहां से अगर इस रोड से आ रहे हो, अगर पुखराजी रोड से आ रहे हो तो सीधा ही आ गए इस पुखराजी रोड पे, पाल पे आओगे तो 3 सीढ़ी उतरना होगा, यहां से आओगे तो सीधा ही आ जाओगे पुखराजी रोड से आओगे तो, है ना। और दीदी ये जो अखाड़े हैं उनका लेवल और उखराजी रोंस का लेवल ऊपर नीचे है हाँ बराबर महाराज जी ने अखाड़े वर्णन नहीं किया लेकिन नक्शे में देखते हैं तो 3 सीढ़ियां दिखाई हैं, तो ऊपर नीचे होगा। मतलब पुखराजी रोंस और लाल जो दिखाया है यहाँ पे मतलब रेड कलर का जो निशान बना है वो एक ही लेवल में हो गया ना, ये नहरों की जो रोंस से बताई है ना ये मधुवन महावन के ये रेड क्या है इसमें या जहाँ ये पे जो आचार्य मधुवन महावन की जो नहर रोंस होगी वो तो पुखराजी रोंस से मिलान करती ही है ना, लेकिन अगर जब अपन रेती के मैदान से आ रहे हैं तो 3 सीढ़ी बताई है अपने को पुखराजी रोंस पे आने के लिए, पुखराजी रोंस का मिलान नहरों से हो जाता है, अगर रंगमहल की पूर्व दिशा अपने को याद हो तो जो वो नहरें आती हैं वो रोंस रोंस पुखराजी रोंस से एक रूप मिलान करती है, और ये जो पाल आई है इस पुखराजी रोंस से भी कमर भर ऊंची आई है। हाँ जी सुंदर साहब जी फटाफट क्वेश्चन हो तो अपन हाँ जी तरटी दीदी प्रणाम जी। हाँ प्रणाम एक बार ना मेरे को वो रास्ता थोड़ा समझ नहीं आया कि इस तरफ आना कैसे है। उत्तर दिशा में जैसे 25 वो जो आपने बताया ना कि 25 मंदिर क्या इसमें बताया। बिल्कुल सीधा सा हिसाब ले लो, उत्तर दिशा में अपने पास 1500 मंदिर हैं, हाँ जी इसमें अब उत्तर दिशा में अपने पास 1500 मंदिर हैं, है ना, इसमें 750 मंदिर इधर छोड़ दो, 750 इधर छोड़ दो, बीच के डायरेक्शन से सीधा चलोगे तो सीधा इसी नहर पे पहुंचोगे, ये मतलब ये 41 वृक्षों की हार पाते ही आपको नहर यहीं पर, जैसे ही मधुवन स्टार्ट होगा नहर यहीं पर मिल जाएगी, इसमें थोड़ा आगे दिखा रखी है नक्शे में, जैसे ही आपने इसको पार किया आपको नहर मिल जाएगी और नहर से होते होते सीधा यहाँ आ जाना है, बिल्कुल ठीक है सेंटर ले लो, आपके पास 1500 मंदिर है उसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट से आगे बढ़ना है, ठीक है मतलब ठीक 50 हाथ है, 25 एक तरफ छोड़ दो 25 एक तरफ छोड़ दो। हाँ ठीक है ठीक जी है। बस यही थोड़ा सा कंफ्यूजन था, हाँ बाकी आगे तो क्लियर हाँ हो गया जो आपने समझाया। हाँ जी ये 9-8 करके कौन हाँ जी सी दीदी कर दिया दीदी कर दिया है। है, एक बार दोबारा समझाइए, दोबारा हाँ जी एक बार बताते हैं समझाइए जरा पूरा उत्तर से, जैसे अभी अभी बता रहे थे ना। हाँ मैं अभी बताती हूँ एक सेकेंड समझाएंगे, मैं थोड़ा देर से आई थी। हाँ जी एक सेकेंड। हाँ जी सुरक्षा आंटी। हाँ मैं यही पूछ रही थी कि आपने 1500 मंदिर कहा है ना। हाँ हाँ आपने तो 1500 मंदिर है ना, तो आंटी बिल्कुल सेंटर से चलना है।
हाँ साढ़े सात इधर छोड़ दें, साढ़े सात इधर और बीच वाले से रास्ता से हम सीधा हम पुखरा जी रॉस पे आ जाएंगे, ये ठीक है ना? मैं यही क्वेश्चन, हाँ जी बिल्कुल सही आंटी, ये मैं क्वेश्चन बस एक बार रिवाइज करके अब चलते हैं हम पर पुखराज की तलहटी में बस प्रवेश कर। अब समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है ठीक है राम जी। हाँ जी सुंदर साहब जी, शोभा का विस्तार हालांकि काफी बार हो गया, सुंदर साहब ने भी कर दिया, पर फिर भी एक बार कि हम श्री रंग महल की उत्तर दिशा में बिल्कुल सेंटर पॉइंट से, उत्तर दिशा के 1500 मंदिर के बिल्कुल सेंटर से हम आगे बढ़ेंगे, वृक्षों की शोभा देखते हुए, रेती की शोभा, एक एक सुंदर शोभा को निरखते हुए, ड्रॉ दूसरा रंग करती हूँ, दोनों तरफ वृक्षों की हारे लगती हुई, उनके छज्जे मिलते हुए, तले रेती, ऊपर चंद्रमा, ऐसे शोभा देखते हुए हमने अखाड़े पार कर लिए। अखाड़े पार करने के बाद ठीक सामने पुखराजी रोंस है, पुखराजी रोंस पे आ गए। पुखराजी रोंस से घुड़सवारी कुछ भी करते हुए हम सीधा पहुंच जाएंगे पुखराज को घेर कर जो पुखराजी रोंस आई है वहां पर, और यहां से अपने को इस पाल पे आना है तो तीन सीढ़ी चढ़कर हम इस पाल पे आ जाएंगे और पाल से आकर यहाँ पर, तो उसके बाद यहाँ से तीन सीढ़ी उतरकर हम इस दक्षिण दिशा के चय बच्चे पर पहुंच जाएंगे। तो ये दक्षिण दिशा का चय बच्चा विशाल शोभा लिए 200 कोस में चय बच्चा घेर कर रोज की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, वन रोज पर उतरती सीढ़ियां, कठेरे की शोभा, वो विशालता को दिल में लेवे कि कितना बड़ा जल का ये कुंड है और पुखराज की तहटी से इसमें जल आता हुआ, और यहीं से जल बड़ो वन, ताड़ वन, सभी वनों में जल होता हुआ, 16 हाथ बच्चों में जल इधर से ही जाता हुआ, तो ये सुंदर शोभा। अब हम शोभा देखते हैं कि हम कहाँ पहुंचे, हम इन रास्ते से चलकर किस जगह पहुंचे। ये देखिए, ये अपना दक्षिण दिशा का रास्ता, थोड़ा यहाँ पे चबच्चा सही जगह पे नहीं है, पर इस रास्ते की बात करें कि हम इस रास्ते से चलकर पुखराज को घेर कर जो पुखराजी रोंस आई है उस रोंस पर आ गए। इस रोंस के भीतरी तरफ भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा, घेर कर हजार पहलों में, घेर कर हजार पहल, यहाँ पर हजार पहल का हिसाब चलेगा और 400 कोस का हिसाब चलेगा, बस मध्य में एक जगह थोड़ी सी गिनती डिफरेंट आएगी, बाकी पूरी शोभा सिर्फ 400 कोस और हजार पहल में। तो यहाँ पे हम इस शोभा को लेवे की घेर कर हजार पहलों में शोभायमान, ये अपना गृद्धवाई चबूतरा, गोल चबूतरा। हाँ सांस पे देखेंगे गुर्जों की शोभा, अलग अलग रंगों नंगों में झिल मिलाते गुर्ज, और गुर्ज के दोनों तरफ से उतरती सीढ़ियां, या हम कहें चबूतरे पर चढ़ती सीढ़ियां, और दो गुर्जों के मध्य अपने को एक विशाल द्वार मिलेगा। यहाँ पर आके महाराज जी एक एक सूत की गिनती नहीं कर रहे, सिर्फ 400 कोस में उन्होंने हाँ सांस पे गुर्ज बता दिए और दो गुर्जों के मध्य विशाल दरवाजा, जितनी विशालता हम ले सकते हैं कि अपने को हजार दरवाजे मिलेंगे। इन शोभा को हम देखते हैं, ये देखिए एमी उर्वी सुंदर साथ की प्यारी शोभा, कि हम जब इस चबूतरे के पास पहुंचे तो ये घेर कर जो हरे रंग की शोभा है इसको तो अपन पुखराजी रोंस मान लें। ये देखिए घेर का पहलदार ये भूमबर ऊंचा चबूतरा, हाँ सांस पे गोल गुर्जों की सुंदर शोभा और गुर्जों के दोनों ओर से उतरती विशाल सीढ़ियां, और दो सीढ़ियों के बीच में अपने को एक सुंदर द्वार मिलेगा, जो द्वार हमें भूम भर नीचे तहटी में लेके जाएगा। यहाँ पे दो गुर्जों के बीच में एक सुंदर दरवाजे की शोभा, अति सुंदर विशाल दरवाजा, पुखराज की बात हो रही है तो स्वर्णिम आभा में झिल मिलाते इन द्वार की सुंदर शोभा को महसूस करें कि घेर कर देखिए ऐसे हजार हाथों में पहलदार, हजार पहलों में घेर कर ये गृद्धवाई चबूतरा, प्रत्येक पहल 400 कोस बराबर 500 मंदिर, हांस हांस में सुंदर विशाल गुर्ज, और गुर्जों के दोनों तरफ से सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी हैं, और दो गुर्जों के मध्य अपने को एक सुंदर द्वार मिलेगा, अति सुंदर विशाल दरवाजा अपने को यहाँ मिलेगा, इन दरवाजों से भूम भर की सीढ़ियां तरहटी में उतरी है। तरहटी दो भूम की कही जाती है, एक भूम तो इस चबूतरे के लेवल में और एक भूम परम धाम की जमीन के नीचे, तो दो भूम की तरहटी की शोभा आती है।
ऐसे हाँ सांस पे अपने को सुंदर दरवाजे मिलेंगे जिनसे भूमबर की सीढ़ियां उतरकर हम तलहटी में जाएंगे। इन शोभा को हम दूसरे नक्शों से भी देखते हैं। ये देखिए इस पिक्चर में ये अपने गुर्जों की शोभा नजदीक से, गुर्जों के दोनों तरफ से सीढ़ियां जो चबूतरे पर चढ़ रही हैं, और दो गुर्जों के मध्य ये सुंदर द्वार की शोभा, दो गुर्जों के मध्य सुंदर द्वार की शोभा। तो अब हम तरहटी में प्रवेश तो कर लेते हैं, तरहटी की शोभा शायद कल पूरी हो पाएगी। तो हम तरहटी में प्रवेश करते हैं। ये शोभा देखिए यहां से, ये गुर्जों की शोभा, दो गुर्जों के मध्य ये द्वार। तो हम जैसे दक्षिण दिशा से आए हैं तो यहाँ हमने एक कुंड की शोभा देखी, जल के विशाल उसको घेर के 50 कोस की रोस और आने जाने का रास्ता। तो वहां से अपने को ये दक्षिण दिशा का द्वार मिल जाएगा, वहां से भूम भर की सीढ़ियां, किसी भी पहल से भूम भर की सीढ़ियां उतर के हमने तलहटी में जाना है। ये देखिए चारों तरफ से भूम भर की उतरती सीढ़ियां, भूम भर की सीढ़ी उतर के हम पहुंचेंगे तरहटी में। तो जमीन से हम एक भूम नीचे उतरे और एक भूम हमारी चबूतरे के बराबर छत, तो तरहटी अपनी हो जाती है दो भूम गहरी। इसमें मराशिर जी का नक्शा नजर नहीं आ रहा मुझे, ये रहा, बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, नजर ही नहीं आ रहा था ये वाला। ये देखिए सुंदर सा जी, मराशिर जी के नक्शे से देखते हैं। ये देखिए गुर्जों की शोभा, ये जो हरे रंग में दिखा रखी है गुर्जों की शोभा, और दो गुर्जों के मध्य ये देखिए सीढ़ियां उतरती हुई, द्वार मिलते हुए द्वार से सीढ़ियां। तो इन द्वार के सन्मुख खुद को महसूस करें, द्वार के भीतर जाएं तो अपने को विशाल सीढ़ियां उतरती हुई मिलेंगी। ये देखिए अपने को विशाल सीढ़ियां उतरती हुई मिलेंगी, ऐसे अपने पास 1000 पहल है। तो एक बार मोटे रूप से मान के चले कि 1000 ही पहलों से अपने को सीढ़ियां उतरती हुई मिलेंगी। इस तरह से सीढ़ी उतर के हमने तरहटी के भीतर आना है। तो ये सुंदर साहब जी बताएंगे तरहटी दो भूम की कैसे हुई। तरहटी सरोज जी आप बताओ। हाँ जी दीदी, एक भूम तो वो जगह ही है परमधाम की, और एक भूम ऊपर ऊपर चबूतरे के बराबर। सुंदर सा जी शोभा के लिए ना एक सुंदर सा से और पूछते हैं। अनु जी आप बताना कि अपनी तरहटी की दो भूम की गहराई कैसे कही जाती है। एक भूम का तो उसका चबूतरा हो गया ना ऊंचा। हाँ जी, एक भूम नीचे गए हम। अच्छा, अब है ना हम भूमबर की सीढ़ियां उतर आए, सीढ़ी उतर के हम इस सीढ़ी वाली रोंस पे है। बाकी वर्णन तो हम करते हैं आगे, लेकिन अभी हम सीढ़ी वाली रोंस पे है। सीढ़ी वाली रोंस पे अब तरहटी की इस बाहरी दीवार की शोभा देखो। ये दो भूम की दीवार है, इस दीवार में अपने को क्या क्या नजर आ रहा है। बिल्कुल थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर डालेंगे कि हम यहाँ खड़े हैं, सीढ़ियां उतर कर आए हैं, अब वापस हम सीढ़ियों की तरफ नजर कर रहे हैं, तो तरहटी की इस दो भूम की ऊंचाई में अपने को क्या नजर आ रहा है। वो हमें गुर्जों की शोभा नजर आएगी। दीदी अपन अंदर, दीदी अंदर है, हम यहाँ पे हैं। तरहटी से हम भूम भर की सीढ़ियां उतरकर, मैं एक बार नक्शा दूसरा लगाती हूँ, शायद उससे पकड़ में आ जाए। देखिए हम यहाँ पर हैं, है ना, इस जगह हैं तरहटी के अंदर। सीढ़ियां सीढ़ियां नीचे उतर के खड़े हैं, दरवाजे की शोभा नजर आएगी। और उससे पहले अपने को दो भूम की शोभा है ना, एक भूम में तो दरवाजा नजर आ गया, उसके नीचे एक भूम ऊपर का वो अपना जो ऊंचाई में बना हुआ दरवाजा। ये देखो इसको, यहाँ देखो इस वाले नक्शे में दिखाई दे रहा है ये अपन यहाँ खड़े हैं, तो इस दो भूम की शोभा अपने को क्या नजर आ रही है। पहली भूम में सीढ़ियां और दूसरी भूम में दरवाजा। दरवाजा, हाँ जी।
तो ये बहुत प्यारी शोभा लगी थी, मैंने स्वर्णा आंटी हमारी से बात करी थी एक बार किसी क्वेश्चन के लिए, तो उन्होंने मुझे धरती में घुमाया था, बोली सीढ़ी वाली रोज पे खड़ी हो और बाहर दीवार की शोभा का वर्णन कर। तो हम यहाँ खड़े हैं जैसे अपनी पुखराज की तरटी की भी ऐसी शोभा होगी, तो हम यहाँ खड़े हैं और इस दीवार की ओर देख रहे हैं, तो ये भौम भर की सीढ़ियां पहली पहली भौम में तो, और दूसरी भौम में अपने को वो विशाल दरवाजा नजर आता हुआ। हाँ जी, विशाल दरवाजा नजर आएगा और सीढ़ियां नजर आएगी। हाँ जी, सीढ़ियां नजर आएगी। दो तीन रेसेंट है बेले इनको, हाँ वही लेते हैं, अब यही रोकते हैं एक बार शोभा। नहीं हो गया, मनु से पूछ लिया, मैंने यही बताना था, तो दीदी ने और अच्छा समझा दिया। अभी एक भौम ऊंची हम नजर करेंगे तो पूरी सीढ़ियां सीढ़ियां, उसके ऊपर दरवाजा, तो दरवाजे के ऊपर खाली दीवार भी तो दिखाई देगी ना। हाँ जी, खाली दीवार भी, दीवार वो मेहराब और वो सब, और ऊपर देखेंगे चित्रकारी तरटी की छत, छत ऊपर तरटी की छत, छत में भी चित्रकारी दिखेगी और दीवार जो है दरवाजे के ऊपर उसमें भी सुंदर चित्रकारी। पहुंच के जवाब देती है, चेहरे से जो लगता है हास हास की दूरी पे आएगा ना। हाँ हाँ, और बीच में भी हमें दीवार पर सुंदर चित्रकारी नजर आएगी, दरवाजे से दरवाजे को अच्छी नजर आएगी। जहाँ सीढ़ियां नहीं है वहाँ पे बड़ी प्यारी दीवार की शोभा, दो भौम की पूरी दीवार की, हाँ कितना सुंदर चित्रामन होगा। हाँ जी दीदी, एक चीज और, हाँ जी एक चीज और पूछनी, ये दो भौम तरहटी तो हो गई क्योंकि एक भौम तो चबूतरे वाली हाइट, एक भौम सीढ़ियों वाली, जो इसमें जल होगा वो चबूतरे से ही तीन भौम नीचे, हाँ अपने परम धाम की जमीन से दो भूम गहरा, तीन भूम हो गया ना, जल तो तीन भूम हो गया दीदी, जल तो एक ही भूम है, लेकिन जल अपन देखते हैं अपन परम धाम की जमीन पे खड़े हैं तो वैसे एक भूम गहराई पे होता है, यहाँ पर दो भूम गहरा हो गया क्योंकि हम एक भूम तरहटी में उतरा है, अब तरहटी से एक भूम गहरा है, इस तरहटी के लेवल में जल होना चाहिए था, इस तरहटी के लेवल में जल होना चाहिए था एक भूम गहराई पर, लेकिन ये उससे भी एक भूम गहरा जल है, तलहटी से होगा ना एक भूम और गहरा। हाँ तलहटी से एक भूम जी, सुरक्षा जालने तो एक भूम लेनी है ना तलहटी से, ठीक है समझ आ गया। सुरक्षा आंटी, हाँ जी मैं समझ गई, मैंने अपने आप जवाब दे दिया था। अच्छा एक दरवाजा और सीढ़ियां आ जाइए, हाँ जी मैंने अपने आप कह दिया, मैंने ठीक है। हाँ जी, हाँ जी ज्योति प्रणाम दीदी, बच्चे का जल इतना ही है दो भूम गहरा, जो बाहर हमारे बच्चे तरटी के नीचे की बात, वो तो एक भूम गहरा होगा ना, वो तो अपन परम धाम की जमीन पे ही हो गया लगभग कमर पर ऊंची रोज पे तो है ना, वो वाला जल एक भूम गहरा है, जल तो यहाँ भी एक भूम गहरा ही होना चाहिए। हाँ यहाँ भी एक भूम ही गहरा है ये, लेकिन परम धाम की जमीन से हिसाब लगाते हैं तो दो भूम, बाकी तो तरटी से तो एक ही भूम गहरा है, एक ही भूम गहरा, एक ही, ये अभी बाहर की बात कर रही है ना, वो परम धाम की जमीन से गहरा है, ये तरटी से भूम गहरा है, ये यमुना जी से एक भूम और नीचे लेवल चला गया, तभी मूल कुंड में इस लेवल को उठाया जाता है, उठाई थी ना बीच में नहर बनी थी। हाँ जी दीदी, यही यही दरवाजे को ना दरबार करके बोला नहीं, गया है, यहाँ नहीं बोला गया, आगे आएगा ना अभी बंगले में, बंगले में आएगा। तो सुंदर सा जी शाही दरबार, शाही दरवाजा बोला गया है, शाही दरवाजा वो बोला था, विशाल दरवाजा है तो। हाँ जी, अरे वो हमारी किरण शाही दरवाजा, शाही दरवाजा। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साहब जी, अपन इसी तरह से एक एक शोभा में डूबकर पुखराज को देखने की, पुखराज में रमन करने की, क्योंकि यहाँ पे गिनतियों का कोई हिसाब नहीं है, हजार हजार भूम भी नहीं गिन सकते अपन, कोई गिनती नहीं गिन सकते, बस एक मोटा हिसाब लेके चलना है यहाँ पर और उस शोभा में डूबना है कि किस प्रकार से शोभा आई है, आनंद आ रहा है, बल्कि ऐसे आनंद आ रहा है। सिर्फ 400 कोस और पहल आते हैं 1000, बस ये दो चीजें यहाँ पर है, बाकी ज्यादा गिनतियां यहाँ पुखराज में नहीं है। चलो जयकारा बुलाते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ राम जी।